हेलो आदाब, नमस्ते। एक नया दिन, नया जोश और नई उम्मीद के साथ मैं शमीना आपका स्वागत करती हूँ अपने शो में, जिसका नाम है शमी बियॉन्ड द प्लेट। और आज हम बनाने वाले हैं तोर्तिया। तोर्तिया जो है ये एक मैक्सिकन डिश है। जिस तरह हम इंडिया में रोटी खाते हैं, उसी तरह से वहाँ पर तोर्तिया खाया जाता है। इसमें कई तरह की फीलिंग डाली जाती है और उसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए बनाते हैं तोर्तिया। और सबसे पहले देखते हैं हम इसकी सामग्री कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून ऑयल, नमक स्वादानुसार और गुनगुना पानी। सबसे पहले हम इसका डो बना लेंगे। उसके लिए मैं एक बर्तन ले लेती हूँ। इसमें डाल दूंगी मैं ये मैदा। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे। अब ये जो गुनगुना पानी हमने लिया है, इसके अंदर मैं मिला दूंगी ये सिरका। अब इससे हमें आटा गूंद लेना है। इस पानी से गूंद लेंगे हम आटा। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे हम इसमें। जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं, उसी तरीके से हमें बनाना है इसका डो। नरम ही रखना है हमें इसका आटा। नरम आटा गूंद लेंगे इसके लिए। थोड़ा सा और मिला दूंगी मैं इसमें पानी। अब इसे मैं निकाल लूंगी इसे। अब इसे हाथ से गूंद लेंगे अच्छे से थोड़ा। इसमें मैं ये तेल लगा दूंगी अभी। देखिए हमारा डो अच्छे से देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे इस तरह से। दस मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। छोटी छोटी लोई बना लेंगे इसकी। हमारे ऊपर है, अगर हमें थोड़ी सी बड़ी रोटी चाहिए तो इसकी बड़ी लोई ले लें। इस तरह से पहले मैं इसकी लोई तैयार कर लूंगी सारी। ये देखिए इस तरह से हम इसकी लोई बना लेंगे। और इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसकी गोली बना लेंगे। इसी तरह से हम सबकी इसी तरह से लोई तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पे। इसे इस तरह से करके यहाँ पे रख लेंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे, तब तक हमारा तवा भी गर्म हो जाएगा। इसकी रोटी तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से इसकी पतली रोटी बना लेंगे हम। ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी है हमें ऐसे। ये हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब ये रोटी हम सेकने के लिए डाल देंगे इसमें। तब तक हम दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। इस रोटी को आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसे आप जिपलॉक बैग में रख दें और इसे फ्रिज में रख दें। इसे सेक लेते हैं। थोड़ा आटा इसके ऊपर डालते जाएंगे इसे, ताकि हमारी रोटी चिपके नहीं। इस तरह से हम अच्छी बड़ी बड़ी बना लेंगे। इसमें हम कोई भी फिलिंग डालकर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, क्योंकि ये जब हम इसे यूज़ करेंगे तब इसे एक बार फिर से हम इसे गर्म करके और फिर इसके अंदर जो भी फिलिंग हमें डालनी हो वो डाल के हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब हम ये दूसरी रोटी भी डाल देंगे तवे पर। इसी तरह से हम सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। इसे सेक लेते हैं। ये लास्ट रोटी भी हमारी हो गई है तैयार। इसे भी उतार लेते हैं हम। अब गैस को बंद कर दूंगी मैं। और ये तैयार हो गए हमारे तोर्तिला। इसमें कोई भी फिलिंग डालकर आप इसे यूज़ कर सकती हैं।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ इन शमी बियॉन्ड द प्लेट। तब तक के लिए बाय बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड कीप कुकिंग।